लोग उनको रिप्लाई बैक नहीं करेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि ये साला चूतिया घमंडी है। अबे सेकंड टॉपिक के बारे में तो भाईचोद भूल गए हम, स्क्रिप्ट याद नहीं किए हैं इसकी माँ का। तो कैसे हैं आप लोग, मजे में होंगे? पिछला वीडियो तो आप लोग देखे ही होंगे, आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहे अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है तो। सो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अनोखा होने वाला है। What? क्यों अनोखा होने वाला है मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साला किस तरफ जाना है हमें समझ नहीं आ रहा है। ओके, सीधा जाना है, ठीक है। तो आज का वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग को हम बताएंगे हमारी यूट्यूब जर्नी के बारे में कि कैसे हम एक फेलियर रह गए अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जिनको लगता है कि ये वीडियो देखना है वो कृपया करके पूरा वीडियो देखिए, और लगता है जिसको कि वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ क्विट करना सीखें, तो वो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। मतलब आप लोग क्या ज़िंदगी भर क्विट ही करेंगे? नहीं ना। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी हम देंगे हमारी YouTube जर्नी से ही। अगर हम फेल हो गए तो ये वीडियो में हम ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप लोगों को फेलियर वाला ही चीज़ बताएंगे। सही बात। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि आप लोग क्या नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम अपने एक साल के एक्सपीरियंस से तो सीख ही गए हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए। तो देखिए YouTube में आप लोग जैसे ही आते हैं तो आप लोगों ने 100 तरह की कैटेगरी मिल जाएगी, जिनमें से 3-4 हम थोड़ा देख दाख के बता रहे हैं आपको, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। जैसे कि आप लोग मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो, जैसे कि हम कर रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग। इसके अलावा आता है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब कैमरा उठाया, अट्टी पट्टी टट्टी, हग रहे, नहा रहे, मूत रहे, ब्रश कर रहे हैं, सब दिखा देते हैं। मतलब ब्लॉगिंग डेली बेसिस पे लोग करते हैं, अपना हगना मुतना सुतना सब बता देते हैं। पापा भी पीछे खड़े हुए हैं बनियान पे, पीयूष और कुनाली भी इधर ही है। सौरभ भाई कुनाली कबूतर खा रहा है। ए, थूक उसको। गजब बेइज्जती है। और एक तीसरा ठीक रहता है ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, जिसमें आप लोग अलग अलग डेस्टिनेशन जाते हैं और अपनी ऑडियंस को बताते हैं। वो बेहतरीन है, एक्चुअली बेहतरीन है। अभी तो आजकल टॉपिक भी चल गया है ट्रैवलिंग कर रहे हैं 0 रुपए में, बिना कुछ खर्च किए हुए। मतलब अलग चूतिया बना रहे हैं। मतलब कैमरे के पीछे क्या कर रहे हैं, क्या खर्चा कर रहे हैं आप लोग को थोड़ी पता है। पैसा वैसा सब होता है, चूतिया बनाते हैं खाली। फूड ब्लॉगिंग हो गया, फूड ब्लॉगिंग हमने कवर किया क्या? पीछे नहीं किया। तो दुनिया दुनिया फिरेंगे, फूड खाएंगे और आप लोग को चूतिया बनाएंगे कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये ट्राई कीजिए, वो ट्राई कीजिए, बट साला कुछ मत ट्राई कीजिएगा। ये साला जो फूड बनाने वाले रहते हैं फूड ब्लॉगर को देख देख के कहा हो जाता है, वो लोग चूतिया लोग कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। अब कल हम वीडियो देख रहे थे, हमने देखा कि एक बंदा था, वो किया क्या पता है, साला आमलेट नारियल के पानी में बनाया। बोलो, मतलब इनका अलग ही चूतियापा चालू है। ठीक है, ये हो गया फूड ब्लॉगिंग। ठीक है, ये 4 हम गिन चुन के बताते हैं। अब ये नहीं कि हम पूरा बताते बैठेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, आप लोगों को पूरा चाहिए हमको फ़ोन करके बुला लो, घर पे आके बता देंगे। तो आप लोगों को ये सारे कैटेगरी मिल जाएंगे। और टेक्नोलॉजी फेक्नोलॉजी बहुत चीज़ें होती हैं जो आप लोग अपने टैलेंट के हिसाब से वीडियो बना सकते हो। बात अलग है, आप लोग अगर हमारे जैसे टैलेंटलेस रहेंगे तो बात अलग है, आप लोग भी फेल हो जाएंगे हमारी तरह। तो अगर फेल नहीं होना है तो थोड़ा स्टडी वडी कर लीजिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं, एंड तक देखिएगा, आपके फायदे के लिए वीडियो बना रहे हैं।
साला हमारी आंख पर इतना तेज धूप आ रहा है, हमको कुछ दिख नहीं रहा है आगे का। साला आगे से गाड़ी वाड़ी आ जाएगी, घुसेड देगी, हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है यार, कितना टॉपिक से बाहर जाएंगे हम। तो हमने शुरू किया मोटो ब्लॉगिंग, ठीक है, मोटो ब्लॉगिंग हम लोग ने शुरू किया। कैमरा ले लिया, गोप्रो ले लिया, हेलमेटवा ले लिया और गोप्रो को माउंट कर दिया हमने अपने हेलमेट पर और फिर हम शुरू हो गए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, आप लोग अगर यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो तो आप लोग को करना क्या होगा, आप लोग को सबसे पहले कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, कंसिस्टेंसी का मतलब ये कि आप लोग को रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग बस दो दिन वीडियो अपलोड किए, व्यू नहीं आया तो आप लोग क्विट कर दिए, ऐसे कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। मतलब अगर आप लोग क्विट करना सोच लियो, आप ज़िंदगी भर क्विट ही करते रह जाओगे। आप लोग को थोड़ा फाइट बैक भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है ना, आपके लाइफ में भी बहुत सारे स्पीड ब्रेकर उतार चढ़ाव आएंगे, पर आपको डरना नहीं है, आप लोग को उसका फाइट बैक करना है। तो हम एंचोद दुनिया भर का बकचोदी पेल रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात करना है उस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं झट हमको पता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्विट नहीं करना है, आप लोगों को कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करते रहना है। वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड करने का मतलब यस कि आप लोग को आगे के 10 दिन का टॉपिक भी सोच के रखना पड़ेगा। आप वीडियो अपलोड किए, कोशिश कीजिए आप लोग हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करिए ही करिए। 3 नहीं करेंगे तो एटलीस्ट 2 का तो आप लोग टारगेट बना के ही चलिए। साला हमको पता है ना, 3 का टारगेट अगर रखेंगे ना तो आज के ज़माने के लोग जो हैं वो साला एक ही वीडियो डालेंगे। तो आप लोगों को कोशिश करना है, 3 का सोचिए तो आप एटलीस्ट 1 या 2 डालेंगे। और कोशिश कीजिए आप इंस्टाग्राम से भी ऑडियंस को आप लोग खींच सके। खींचने का मतलब आप लोग उधर की ऑडियंस को अपने यूट्यूब पर एज एन ऑडियंस कन्वर्ट कर सके, इंटरेक्ट कीजिए। जब आप लोग से इंस्टाग्राम पे वो लोग क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग उनको रिप्लाई बैक कीजिए। अगर आप लोग उनको रिप्लाई बैक नहीं करेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि ये साला चूतिया घमंडी है। तो अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो चले जाएंगे और आप लोग ऑडियंस नहीं पकड़ पाओगे। ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक के बारे में। तो सेकंड टॉपिक के बारे में तो भैंचोद भूल गए हम, स्क्रिप्ट ही याद नहीं किए हैं इसकी माँ का। अब क्या करें, हमको भैंचोद समझ ही नहीं रहा है हम कहाँ बोले। हाँ, सेकंड चीज़ की हम बात करें, आप लोग लंबा लंबा तो जाइए मत जो हम चूतिया पकड़ चुके हैं अपने वीडियो में। लोना वाला गोवा असला हम भैंचोद सब करके देख लिया, किसी से व्यू नहीं आया। हाँ, गोवा तक गए थे तो 700 व्यू आया था, बस उसी पे अटक गया। मुंबई टू गोवा कर लिए, गोवा टू मुंबई वीडियो बना लिए, कुछ नहीं आया। तो आप लोग से हम कोशिश बता देते हैं कि आप लोग नियर बाई वीडियो बनाइए, घूमिए अपने लोकल एरिया में ही, एक्सप्लोर कीजिए नया नया प्लेस, नया नया एक्सप्लोर कीजिए, वीडियो बनाइए और ट्राई कीजिए कि आप लोग सेम प्लेस पे ना ही घुमाइए गाड़ी, नया नया प्लेस एक्सप्लोर कीजिए ताकि ऑडियंस जो है बोर ना हो, ये देख के ना भाग जाए साला चूतिया एक ही जगह गाड़ी घुमाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, आप लोग को अपने ऑडियंस को होल्ड करने के लिए करना होगा कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियो तो बनाइए ही बनाइए, लोकल एरिया में ही गाड़ी घुमाइए। क्योंकि फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों का तेल कंज्यूम कम होगा और आप लोग घर पे जल्दी आ जाओगे, मम्मी पापा का चप्पल भी नहीं खाना पड़ेगा। डाले, डाले, डाले। तो ऐसे हम खाते हैं, ठीक है। यह दूसरा टॉपिक हो गया। बड़े बड़े यूट्यूबर का टाइटल कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना करें। लोग टाइटल सोच के बनाते हैं कि यार मेरी हयाबूसा गिर गई, बहुत नुकसान हो गया। वो लोग वीडियो बना दिए, उनके पास तो हयाबूसा है, तो जितने भी भूसा प्रेमी हैं हम भी हैं उसमें से, तो हम भी क्या करेंगे, वीडियो देखने चले जाएंगे। तो आप लोग को ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग की 200-400 सीसी की गाड़ी गिर जाएगी तो झाट किसी को फर्क नहीं पड़ेगा और कोई देखेगा भी नहीं। तीसरी चीज, आपको मोटो ब्लॉगिंग करते टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ऑन द गो आप लोगों को जो भी दिख रहा है उस बारे में बात कर लीजिए। अगर आप सोच के बोलेंगे तो झाट आप नहीं कुछ कर पाएंगे।
आप ना भूल जाएंगे कि आपको बोलना क्या है ऑन द गो में, तो आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि आप लोग को किस टॉपिक पे बात करना है। या तो आप स्क्रिप्ट रट लीजिए, पानी में स्क्रिप्ट घोल के पी जाइए, या याद करके आइए, उस तरीके से आप वीडियो बना पाएंगे। तो सब भाईचोद हमारे जैसे टैलेंटेड नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को पहले से रट के आना पड़ेगा स्क्रिप्ट। तो तीसरा पॉइंट हो गया, तो ये वीडियो बड़ा नहीं बनाते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाइएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।